बल बचाओ किसान संघर्ष समिति प्रस्तावित हवाई अड्डे के विरोध में लामबंद हो गई है। सैकड़ों किसानों ने मंडी में प्रस्तावित हवाई अड्डे के विरोध में रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज करवाया। वहीं जिला प्रशासन के माध्यम से इस बारे में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एयरपोर्ट अथॉरिटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जाति ओबीसी और अल्पसंख्यक को ज्ञापन भी भेजा गया, जिसमें मांग की गई कि किसानों को उजाड़ कर हवाई अड्डे का निर्माण मंजूर नहीं है। किसानों का कहना है कि मिनी पंजाब के नाम से मशहूर बल ऐतिहासिक रूप से कृषि क्षेत्र है। आजादी से पहले यहां जो जमीनें थी वे राजाओं द्वारा स्थापित सामंतों के पास थी। मुजारा आंदोलन और किसानों के लंबे संघर्ष के बाद 1966-67 में किए गए भूमि सुधार के चलते जमीन पर किसानों को मालिकाना हक मिला है। इसी दौरान भगरेटू में इंडो जर्मन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट आया, जिसके चलते किसानों ने आधुनिक खेती की शुरुआत की और लगातार यहां का किसान वैज्ञानिक खेती को अपनाते हुए आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि टमाटर उत्पादन में सोलन जिला के बाद हिमाचल में बल दूसरे स्थान पर आता है। किसानों का कहना है कि प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए 11 गांव की लगभग 3,500 बीघा जमीन अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है, जिनमें 3,040 बीघा निजी जमीन है और 460 बीघा सरकारी भूमि। सरकारी भूमि में एकमात्र खेल का मैदान कंसा चौक में है। ये खेल का मैदान बल विधानसभा क्षेत्र और नाचन विधानसभा क्षेत्र के तहत आता है। इसके अलावा डियोडा का जंगल जो सदियों पुराना है वो भी खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डा बनता है तो पूरा पर्यावरण तहस नहस हो जाएगा। साथ ही डोडरा तत्तापानी प्रस्तावित राष्ट्रीय उच्च मार्ग, डोडरा कुम्मी बाया कांसा टावा रोड आदि प्रस्तावित रोड इस हवाई अड्डे की चपेट में आएंगे, जिससे बल विधानसभा क्षेत्र और नाचन विधानसभा क्षेत्र दोनों के हिस्से अलग अलग बन जाएंगे, जिससे लोगों को आर्थिकी और सामाजिक संबंध बुरी तरह प्रभावित होंगे। इसमें करीब 2000 से अधिक परिवारों को विस्थापित भी होना पड़ेगा। किसानों का कहना है कि बिना सूचित किए सरकारी भूमि प्रस्तावित हवाई अड्डे का सर्वे कर रही है, जिससे क्षेत्र के किसान सहमे हुए हैं और उजड़ने का डर सता रहा है। आजीविका का इकलौता और मुख्य स्रोत होने के नाते किसान इस क्षेत्र में प्रस्तावित हवाई अड्डे के निर्माण का विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि इस क्षेत्र की रक्षा की जाए और हवाई अड्डे को किसी दूसरी जगह प्रस्तावित किया जाए। वक्ताओं ने चेतावनी भी दी कि यदि किसानों की जमीनें जबरदस्ती लेने का प्रयास किया गया तो किसानों की रक्षा के लिए उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य व केंद्र सरकार की होगी। आज ये जो प्रदर्शन और रैली यहाँ की जा रही है, ये जो प्रस्तावित हवाई अड्डा बल के बीच में है, ये 11 गांव के बीच में बनना है और इसमें 3500 बीघा जमीन प्रस्तावित है, ये उसके विरोध में है। क्योंकि यहाँ पर करीब 2000 परिवार और 10,000 की आबादी और इसके साथ साथ 2000 जो प्रवासी मजदूर यहाँ आता है वो सारे का सारा उजड़ जाएगा। अभी ये जो जमीनें हैं ये किसानों ने बड़े लंबे संघर्ष के बाद 1966-67 में हुए भूमि सुधार आंदोलन के चलते मालिकाना हक किसानों को मिला था, मगर आज एक खतरा जो है वो मंडरा रहा है कि जमीनें उजड़ जाएंगी। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो नौ गांव प्रस्तावित हवाई अड्डे में जा रहे हैं, हम अपनी उपजाऊ भूमि प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए नहीं देना चाहते, हमें वहां से ना उजाड़ा जाए। ये जो प्रस्तावित हवाई अड्डा है इसको कहीं और दूसरी जगह, जहां सरकारी भूमि हो या सरकार जहां उचित समझे वहां ले जाया जाए, हम किसानों को वहां से ना उजाड़ा जाए। हम सरकार से यही दरखास्त करते हैं और इसी के लिए हम सारे किसान संघर्ष में हैं और सरकार से ये दरखास्त करते हैं कि इस हवाई अड्डे को यहां से बदला जाए और कहीं दूसरी जगह इसको शिफ्ट किया जाए, ताकि हमारे जो किसान हैं, हमारे जो वहां रोजगार हैं और हमारे जो और लोग वहां रोजगार दे हैं, उसके लिए हमें वहां से राहत प्रदान की जाए। मेरा जो वार्ड है कंसा साहब वो पूरी तरह से उजड़ रहा है, इस हवाई अड्डे को लेकर ये जो वार्ड है पूरी तरह से उजड़ रहा है और सारे जो गांव के लोग हैं वो कहां पर जाएंगे। उन लोगों को ये समस्या और चिंता सताई जा रही है कि हम लोगों का विस्थापन जब होगा तो हम कहां पर जाएंगे। और जो रेट ये बता रहे हैं कि 17,000 रुपये पर विश्व है वहां का रेट, तो उस हिसाब से तो जितना जमीन ले सकेंगे न ये कहीं पर रह पाएंगे। तो मेन समस्या हमारी ये एक तो ये जो भूमि है बहुत उपजाऊ है और यहाँ पर जो बेरोजगार बच्चे हैं, हमारे लोग हैं, तो वो उसी पर निर्भर है। टमाटरों की यहाँ
पर बहुत फसल होती है, मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है। टमाटर बहुत ज्यादा उगाया जाता है, नकदी फसल जितनी भी है सबसे ज्यादा इस वार्ड में होती है, कमसा में होती है, और ये जो नौ गांव है यहाँ पर यही फसलें उगाई जाती है। तो मेरा सरकार से दरख्वास्त रहेगी कि इस ये जो आपने हवाई अड्डे की योजना यहाँ पर तैयार कर रखी है, मैं चाहती हूँ एक तो इस हवाई अड्डे को कहीं दूसरी जगह जहाँ पर सरकारी लैंड हो वहाँ पर विस्थापित कर दिया जाए, या फिर और जो ये जो हमारे लोग हैं इनको जो उचित मूल्य जो मतलब एक हो इनको जिसमें जो 2013 क्या था वो शुरू होना चाहिए, इस पे लागू एक्ट वो 2013 का जो एक्ट है वो लागू होना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि प्रत्येक जो एक परिवार का प्रत्येक एक परिवार के बच्चे को या बड़े को नौकरी की सुविधा भी होनी चाहिए। तो मुझे डिमांडिंग होती है, हम चाहते हैं ये जो कार्य है मैं वर्ग के लोगों के सामने जैसे हिसाब से हम लोग चलेंगे।